घर एक ग्लास तो अट ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया था जिसके चलते वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, बट आज के बाद से हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ मेरे थोड़े रेगुलरली आएँ। सुबह के 11 हम अपना सारा काम कर चुके हैं, नहा लिए हैं और मेरा थोड़ा बाल ऑयली है तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बाल में तेल लगा लिए हैं तो सारा काम हो चुका है जो सुबह का होता है, नहाना धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना सब हो चुका है। और अभी सुबह 11 बज रहा है, मेरे अभी भी ड्यूटी पर चले गए हैं। और तो आज के वीडियो टाइटल में आपने तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो वही, हमको आइसक्रीम थोड़ा खाने का मन हुआ, मतलब आइसक्रीम तो खरीद कर खाते ही है, पर कि कभी खुद से भी बना के खाना चाहिए। तो वही हम YouTube में सर्च कर रहे थे कि आइसक्रीम इजीली कैसे बन सकता है, मतलब जो यहाँ चैनपुर में जो इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स जो भी अवेलेबल हो उसी से बन जाए। तो वही हम देख रहे थे वीडियोस, तो हम देख रहे थे उसमें किसी में कॉर्नफ्लावर लग रहा था, किसी में वेनिला एसेंस लग रहा था, तो हमको लगा वो सब चैनपुर में नहीं मिलेगा तो उसको हम छोड़ दिए। फिर ऐसे ही सर्च करते करते दिखा एक वीडियो जिसमें ओरियो बिस्किट से आइसक्रीम बना रहा था एक लड़का था। तो फिर दिखा कि अरे ओरियो बिस्किट से भी आइसक्रीम बन सकता है, तो हम सोचे चलो यही ट्राई करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, तो हम सोचे चलो इसी को ट्राई करते हैं। तो वही आज हम ट्राई करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में, इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता कैसा बनेगा, पर वीडियो में तो दिखा रहा था टेस्टी बना था, तो देखते हैं चलिए कैसा बनता है, बने रहिएगा वीडियो में। तो ये जो टेबल है इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए कैमरा को सेटअप कर लेते हैं उस हिसाब से। तो गाइस, मेरा कैमरा सेटअप हो चुका है और आप लोगों को टेबल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि टेबल शो कर रहे थे तो फिर मेरा फेस नहीं दिख रहा था, तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए पहले हम इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं कि किस किस चीज़ का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे पास है सबसे पहले तो ओरियो बिस्किट्स जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगा मिल्क का, इसके अंदर मिल्क है, ये देखिए दूध है, ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है और इसमें चीनी नहीं डला हुआ है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी आइसक्रीम स्टिक का, फिर उसके बाद एक बेलन का जिससे ओरियो बिस्किट को, मतलब ओरियो बिस्किट को ऐसे तोड़ना है इसी में पैकेट के साथ ही, तो बेलन का इस्तेमाल करेंगे इसको तोड़ने के लिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लास का, 4 ग्लास क्योंकि हम 4 आइसक्रीम बनाएंगे तो 4 ग्लास का ज़रूरत पड़ेगा फ्रीजर में रखने के लिए। नहीं ज़रूरत है हम लोग को, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ओरियो बिस्किट को हमें तोड़ना है इसी पैकेट के अंदर ही, मतलब बिना पैकेट को काटे या फाड़े इसको हम तोड़ेंगे इसके अंदर से। तो ये हो चुका है। अब एक्चुअली वीडियो में तो थोड़ा जो लंबा साइज़ वाला होता है ना वो ओरियो दिखाया था, इस पर हमको ये छोटा ओरियो मिला तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब ये क्रश हो चुका है, अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये रहा सीज़र, इससे कट कर लेंगे इसके यहाँ पे। इस तरह से सबको काट लेते हैं। तो सारा हम काट लिए हैं, अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। इस दूध के अंदर तो बहुत छाली है, गिरना मत। दूध डाल दिए इसके अंदर, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को।
अब इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। इसको इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह का ग्लास के अंदर डाल देंगे। तो ये इस तरह से हम बाकी तीनों को भी बना लेते हैं। तो ये मेरा बस इतना ही स्टेप था आइसक्रीम बनाने का। बस जो मतलब प्रोसेस था आइसक्रीम बनाने का वो तो हो चुका है। अब इन ग्लास को हमें डीप फ्रीजर में रखना है। अभी 11 बज चुका है तो लगभग शाम तक में जम जाना चाहिए। इसको फ्रीजर में रखते हैं डीप फ्रीजर में थोड़ा 6-7 घंटा के लिए, ताकि अच्छा से जम जाए और आइसक्रीम हमें टेस्टी टेस्टी खाने को मिले। ये है मेरा डीप फ्रीज़र फास्ट फ्रीजिंग जोन। तो इसमें अभी पानी का बॉटल रखे हुए हैं, इसको निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर रखते हैं अपना आइसक्रीम, एक एक करके रख देते हैं। ओ माय गॉड, एक ग्लास तो अट ही नहीं रहा है। ये तो लोचा हो गया, शिट, लाइट भी कटा हुआ है। अभी ग्लास तो अट ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। वो ग्लास तो फ्रीजर में अट नहीं रहा है, हमको थोड़ा छोटा बर्तन चाहिए होगा। मेरे पास ये दो ग्लास है, मेरे पास ये दो ग्लास है छोटा छोटा, और तो छोटा ग्लास नहीं है। फिर कप है, कैसे बनेगा इसे मैं आइसक्रीम देखते हैं। स्टील का ग्लास में ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ा छोटा ग्लास है, ये अटेगा या नहीं, ये बड़ा ग्लास है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमको भी पहले ट्राई करना चाहिए था कि वो ग्लास फ्रिज में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। चार चार आइसक्रीम बना दिए और ग्लास है मेरे पास स्टील का छोटा छोटा दो है, और ये देखिए स्टील का ये छोटा छोटा दो है, और ये एक भी ये इससे बड़ा है थोड़ा, और ये सबसे बड़ा ग्लास है। देखिए ये बड़ा सबसे ग्लास है, तो इससे नाप कर देख रहे हैं तो ये छोटा है, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। इसमें अब हम लोग को डालना पड़ेगा, सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं शिफ्ट। पर ये फिट नहीं होगा ना, मतलब इधर उधर हिलते डुलते रहेगा। कोई नहीं, इसको अब ऐसे ही करना पड़ेगा, कांच ग्लास अट ही नहीं रहा। तो ये डल चुका है आइसक्रीम अपना साचा में, छोटा बड़ा ग्लास में, देखिए। हिल डुल रहा है इसके अंदर का आइसक्रीम इधर उधर, बस जम जाए ये वाला तो अट गया, इधर उधर हिल डुल रहा है, क्योंकि ये गिलास का मुंह थोड़ा बड़ा है ना, और ओरियो का जो पैकेट है वो पतला है। बस इधर उधर ना गिरे, सो बंद कर देते हैं। लाइट अभी कटा हुआ है, लाइट आएगा तो जमेगा। तो गाइस हम आइसक्रीम को रख दिए हैं डीप फ्रीज़र के अंदर, पर अभी लाइट नहीं है।
लाइट रहता तो 5-6 घंटा के अंदर जम जाता, पर अभी लाइट नहीं तो देखते हैं कब तक जमता है। तो फिलहाल तो शाम तक वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस सीधे शाम को मिलते हैं, देखते हैं कैसे बना रहेगा आइसक्रीम, उसी टाइम पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है उसका। पहली बार हम बनाए हैं, कोशिश की अच्छा बनेगा तो हम बार बार इसको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इजी है और कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए शाम को मिलते हैं फिर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज दूसरा दिन हो गया है। कल आइसक्रीम हम जमाए थे पर आज सुबह में हमको उसको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कल लाइट ठीक से नहीं था और अभी भी लाइट नहीं है। वो जम रहा है आइसक्रीम पर फिर से पिघल जा रहा है, तो हम सोचे जितना जमा है उतना में ही आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा बना है वो, वरना फिर वो पिघल जाएगा, फिर शायद ये वीडियो फिर कल अपलोड होगा। हमको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करना है और लाइट तो बहुत नौटंकी कर रहा है। तो चलिए गाइस अब आइसक्रीम को निकाल रहे हैं, वो ठीक से जमा नहीं है, मतलब उतना कड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं रात में कितना बजे लाइट आया था, बहुत नौटंकी कर रहा है लाइट आजकल, गर्मी के दिन में ही ऐसा लाइट होता है। तो निकाल लेते हैं आइसक्रीम को, आप लोगों को दिखाना भी है, आप लोगों से शेयर भी करना है, तो निकाल लेते हैं आइसक्रीम को, वरना मेरा वीडियो तो फिर बनते रह जाएगा ऐसे में। तो फास्ट फ्रीजिंग जोन में आइसक्रीम, ये रहा मेरा अचार आइसक्रीम, जिसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, मतलब बाहर में गिलास के बाहर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, क्योंकि ये पिघल रहा है। ये देखिए आइसक्रीम जम गया है पर उतना अच्छा से नहीं जमा है, निकाल लेते हैं। तो ये रहा मेरा चार आइसक्रीम जो हम कल बनाए थे और आज खाने को मिल रहा है, क्योंकि लाइट का नौटंकी की वजह से। तो ये रहा कुछ अंदर का आइसक्रीम, इस तरह से दिख रहा है, अच्छी तरह से नहीं जमा है क्योंकि ये पूरा प्रेस हो रहा है। एक 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 पैकेट को जल्दी से खोलकर हम दिखा देते हैं आप लोगों को, टेस्ट करके दिखा देते हैं वरना पिघल जाएगा सब। ये थोड़ा टाइट लग रहा है, इसी को जल्दी से खोल लेते हैं। आइसक्रीम का पैकेट को हम लोग को फाड़ना पड़ेगा तभी आइसक्रीम निकलेगा। अभी सुबह सुबह हम ब्रश करके सबसे पहला आइसक्रीम ही खा रहे हैं क्योंकि लाइट साथ तो दे नहीं रहा है, आइसक्रीम पिघल जाएगा फिर, ना हम आप लोगों को दिखा पाएंगे ना मेरा वीडियो बनेगा और फिर अपलोड भी क्या होगा, अपलोड भी नहीं हो पाएगा। देखिए आइसक्रीम तो अच्छा दिख रहा है पर पूरा गिर रहा है। जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे जमा हुआ रहता ना तो पूरा टाइट रहता है, ये पिघलता ही नहीं, आधा तो इसमें लग गया। अभी शायद लाइट आया, ठीक लग रहा है आइसक्रीम, मतलब बिस्किट जैसा ही लग रहा है, जो बिस्किट का टेस्ट है ना वही आ रहा है। इसमें दूध डाले थे आप लोग तो कल, मतलब आप लोग देखे ही थे इसमें क्या क्या डाले थे, दूध डाले थे बस। तो जो बिस्किट का टेस्ट है गाइस वही आ रहा है। ये अच्छा से जमा रहता था थोड़ा ज्यादा मजा आता खाने में। बस ये मान लीजिए कि जो बिस्किट है उसी को बस ठंडा करके खा रहे हैं। कुल मिला के ठीक ही है, जल्दीबाजी में अगर आपको आइसक्रीम बनाना है, ज़्यादा कुछ घर में नहीं है, तो ओरियो बिस्किट और दूध से ही बन जाएगा, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में। तो गाइज ये वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन लग गया सब लाइट की वजह से, अभी लाइट आया जब हम आइसक्रीम निकाल दिए तब।
तो कोई नहीं, और किसी दिन हम कोई दूसरा फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना ट्राई करेंगे, मतलब जो पूरा दूध से और कस्टर्ड पाउडर और क्या वनीला एसेंस ये सब डाल के बनाना रहता है यूज़ का, वो वाला बनाएंगे। हाँ, तो वो भी शेयर करेंगे हम आपके साथ। सारा वो सब सामान गुमला से खरीदना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी जल्दी इसको एडिट करेंगे और आज ही अपलोड करेंगे, ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है। हम 5-6 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं फिर किए मिलते हैं हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।